हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। एक न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है? कि आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। आर इज द रेजिस्टेंस। इस वायर को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, और इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, यानी कि इनको आपने लगा दिया पैरेलल में, जस्ट लाइक दिस। और इनका जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर आया वो उसको लिखा आपने आर डैश। इनका रेजिस्टेंस टोटल जो बना पैरेलल में जोड़ के आर डैश बना। तो आपको पता करना है आर अपॉन आर डैश किसके इक्वल होगी। चलो करते हैं। देखिए बेटा, इसका रेजिस्टेंस आर है। जब हम लोग लेंथ को छोटा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि मैं यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूँ तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगी। R/4 चारों का, क्योंकि एरिया तो कुछ चेंज कर नहीं रहे। अब ये चारों आपने लगा दी पैरेलल में, तो मतलब R/4 के 4 रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगा दिए। पैरेलल में आपको पता है हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं रेजिस्टेंस की, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, ये हमें पता है। अब बचे RB को R डैश लिखो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू R डैश बनेगी। R1 की वैल्यू R/4 है और ये वैल्यू 4 बार आएगी, 1, 2, 3, और ये खुद हो गया 4। तो हम लोग सीधा 4/R करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो 1/R' 16/R बन जाएगा। तो ये R/R' इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास बेटा रेशो आ गया, 16/1 कर दो। और यही हमने फाइंड आउट करना था। थैंक यू।